अस्सलाम वालेकुम या अली मदर। अभी मैं यहाँ पे हैदराबाद करमगाम मोराली पे हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरफ। ठीक है, ये उधर जो ये नज़र आ रही है ऊपर आपको, ये दरगाह जो बन रही है ये है अब्दुल वहाब शाह जिलानी की दरगाह। और इसके बराबर में ये जो छोटा सा है ना करमगाम मोराली, करमगाह मोराली की ज़ियारत के अंदर हम दाखिल होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से बना हुआ है, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। ये इस तरफ देख सकते हैं आप किस तरह बना हुआ है, ये पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें दिखा दूँ वीडियो में। अली असगर का झूला, ये है कदम का मोलाली, ये उनके हाथ है, सही है, ये जिस उनके घुटने और ये उनके कदम मुबारक पांव, यानी एक तरह से ये नमाज जिस तरह पढ़ते हैं ना उस हिसाब से ही बना हुआ है कदम का मोलाली। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पत्थर में ये जो गोल दायरे बने हुए, ये मोलाली का जो घोड़ा था उसके टापों के निशान, और ये मोलाली के शेर के पंजों के निशान, तरह से ये बना हुआ है पूरा। देख सकते हैं आप ये इस तरह से बना हुआ है। अलम बरक, आपने देख लिया कि सब हैदराबाद का तो पहले नाम था इसका निरोन कोर्ट था। जब कलहरो अब्बासी खानदान की हुकूमत थी, ईरान के बादशाह ने देखा कि कलहरो अब्बासी खानदान जो है वो इंतहाई शिद्दत से नबी की आल से मोहब्बत करती है, तो ईरान के बादशाह ने कलहरो अब्बासी खानदान को तोहफे के तौर पर मौला अली का मुसल्ला मुबारक दिया। मुसल्ला मुबारक जो पत्थर से बना हुआ था उस पर मौला अली के हाथों के निशान, पैरों के निशान, घुटनों के निशान और पेशानी के निशान थे, जिस तरह से उन्होंने नमाज पढ़ी थी पूरा एक मुसल्ला था। अब कलहरो अब्बासी खानदान जो है वो ईरान से सिंध ले आए उस मुसल्ले मुबारक को, और सिंध के शहर निरोन कोर्ट में रखा। मोलाली का दूसरा नाम हैदर है, मोलाली की वालदा फातिमा बिनते असद ने उनका नाम हैदर रखा, इसलिए उस शहर निरोन कोर्ट का नाम साईं गुलाम शाह कलहरो अब्बासी ने रख दिया हैदराबाद। पहले ही जो मुसल्ला है, ये जो कदम गांव मुबारक है, इसकी इजाजत सिर्फ कलहरो अब्बासी खानदान के अफराद ही क्या करते थे, बाकी किसी और को इजाजत नहीं थी कि वो यहाँ पे आके ज़ियारत करे। साईं गुलाम शाह कलहरो अब्बासी के बाद जब दूसरे कलहरो अब्बासी बादशाह आए तो उन्होंने फिर सबके लिए, हर खास व आम के लिए खोल दिया। मोलाली के जो वालिद थे अबू तालिब, उन्होंने उनका नाम असद रखा, और जो मेरे नबी हैं उन्होंने उनका नाम अली रखा। 1996 में इस बिल्डिंग की दोबारा से नए सिरे से तामीर शुरू की गई, जिसका काम अब तक जारी और सारी है। करमगाह मुबारक के जो औकातकार हैं वो नमाज फजर खुलता है करमगाह, और रात 10 बजे तक ये खुला रहता है, लेकिन जुमेरात को ये देर रात तक खुला रहता है, या इसके अलावा कोई बड़ा दिन हो, 21 रमजान हो जब मोलाली की शहादत हुई, या फिर यमे आशूर हो, तो उस दिन ये पूरी रात खुला रहता है, बंद नहीं होता। इस करमगाह मुबारक को ये शर्फ हासिल है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़ियारत कहलाती है, और मुल्क भर से लोग यहाँ पे आते हैं और ज़ियारत करते हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका ताल्लुक हर मकतब फिक्र से होता है, यहाँ तक के गैर मुस्लिम भी आते हैं और यहाँ पे ज़ियारत करते हैं।